छोटी थी तो मतलब मुझे ड्राइंग एंड पेंटिंग का हमेशा से शौक था. कि मैं अपनी ब्रेक्स को नीचे नहीं जाती थी, आर्ट रूम में रह के आई वुड जस्ट पेंट एंड ड्रॉ. आर्ट इज ह्यूजली ह्यूजली इंपॉर्टेंट. इन फैक्ट आई वुड से दैट आर्ट एंड कल्चर रियली आर द ट्रू मींस ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर इंडिविजुअलिटी एज सोसाइटी. हर हफ्ते हम लोग रात को जाते हैं आर्ट सप्लाइज लेके और सड़कों पे जो बच्चे होते हैं उनके साथ ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं. सबको बुला लो. द वे द लाइव इज कि वो सुबह से लेके शाम तक पैसे कमाने की फिक्र में होते हैं. आई रियली वॉन्टेड कि मैं वहाँ जाऊँ और वो उनको एक मौका दो कि वो सिर्फ एक घंटे के लिए देगा चांस टू एक्ट लाइक चिल्ड्रन. They tend to go in their own space. वो कोई मोटरबाइक पे बैठ जाता है, कोई सीढ़ियों पर. वो अपनी ही जगह ढूंढ लेते हैं और फिर उसी अपने काम में गुम हो जाते हैं. जब आप किसी बच्चे को कोई नई चीज़ बनानी सिखाते हो और वो सीख जाता है और उसके मुंह पे जो खुशी की लुक होती है तो वो मेरे लिए बहुत ही जॉयफुल मोमेंट होता है. I hope that whatever they become, I don't know what opportunities they will have in the future, but I would like them to be more confident and able to take things on. हम इन बच्चों में खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं और जितना मजा हमें हर हफ्ते इनके साथ आता है उतना शायद किसी और चीज में नहीं आता.